हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल JKMD में। क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे जीके क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के समय बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की ओर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी? तो दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प है, ए, उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, बी, उसकी मात्रा में कोई कमी आएगी, सी, उसके भार में कमी आ जाएगी, डी, उसके भार में वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, उसके भार में कमी हो जाएगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्फर का उपयोग होता है। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प हैं, ए, डायनामाइट में, बी, गन पाउडर में, सी, बारूद में, डी, उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प है, ए, स्वभाव वश, बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, सी, दिन में नींद आने से, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प है, ए, सोना, बी, एल्यूमिनियम, सी, चांदी, डी, पीतल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, चांदी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पोतना क्यों पसंद करते हैं? तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प है, ए, आंख को अच्छे लगते हैं, बी, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सी, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, सी, डी, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प है, ए, ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, बी, ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, सी, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, डी, ताप वे दाब दोनों ही घटते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ताप वे दाब दोनों ही घटते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किसके कारण? तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प है, ए, घर्षण बल के कारण, बी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सी, जड़त्व के कारण, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, घर्षण बल के कारण। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किसका एक रूप है? तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प है, ए, सेल, बी, नेस, सी, चूना पत्थर, डी, बलुआ पत्थर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, चूना पत्थर के कारण। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प है, ए, सल्फर डाइऑक्साइड, बी, क्लोरीन, सी, नाइट्रोजन, डी, अमोनिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, क्लोरीन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प है, ए, ऑक्सीजन, बी, हाइड्रोजन, सी, नाइट्रोजन, डी, नियॉन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ऑक्सीजन के कारण। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।